वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक की बात की जाए तो 11.45 पे आज क्लोजिंग दे चुका है। ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक 10 पैसे की गिरावट, तकरीबन 1% तक गिरावट देखने को मिले ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक में। आज गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक, जैसे ओपन हुआ वही से गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली और उसी लेवल पे आज का डे का हाई भी है। तो जैसे ओपन हुआ गिरावट देखने को मिली, प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट देख के नीचे चला गया, फिर बाउंस बैक भी हो चुका था पर प्रीवियस क्लोजिंग ने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिएक्शन का काम किया जिसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया सक्सेसफुली ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक। तो एट एंड ऑफ द डे 10 पैसे नीचे 11.45 पे क्लोजिंग दे चुका था। तकरीबन यहाँ पे मार्केट कैप जो है 700 करोड़ के नीचे आ चुके हैं, 681 करोड़ की मार्केट कैप है और पी रेशियो तो बहुत ही ऊपर सोच के बाहर का पी रेशियो है। तो पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक के अंदर 3.78% की सिर्फ गिरावट देखने को मिले। तो रिसेंटली वॉल्यूम भी चेक करेंगे आज के दिन के ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के लिए, टोटल जो वॉल्यूम है 4,27,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है आज स्टॉक के अंदर। मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो ट्रेडेड वैल्यू जो है 48 लाख की सिर्फ ट्रेडेड वैल्यू भी है, बहुत ही कम वॉल्यूम जनरेट हो चुका है आज यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन जो है डाटा अनअवेलेबल है रिसेंटली ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के लिए। तो बाकी के डिटेल भी देखेंगे जैसे कि ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो देख सकते कि पिछले 2-3 महीनों से बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिली थी ऊर्जा ग्लोबल में, पर इस मंथ में देख सकते कि ऊर्जा ग्लोबल ने जो सपोर्टिव लेवल थी 11.65 उसको ब्रेकआउट दिया है। ऊर्जा ग्लोबल में ब्रेकआउट देते हुए नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, मीन सपोर्ट 1 के नीचे आज क्लोजिंग दे चुका है फिर से एक बार। तो मंड कल के दिन भी सेम लेवल पे ओपन होता है तो गिरावट ही होने के चांसेस है, तकरीबन 11 लेवल तक 11 लेवल पे सपोर्ट लेता है तो स्टेबिलिटी दिखा सकता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के लिए।